हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन तड़का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी पालक पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भगोने पानी लेकर उसमें साग को उबालेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, मैंने एक भगोने पानी ले लिया है और उसे उसमें पालक को डाल दिया है उबालने के लिए। पालक उबल चुका है और फ्रेंड्स, जिस पानी में आपने पालक को उबाला था उसे फेंकिएगा मत। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने भी इसे रखा हुआ है। इसका यूज़ हम सब्जी बनाने में करेंगे आगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अदर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा पनीर, उसे आप स्मॉल पीस में कट कर लेंगे। आपको चाहिए होगा प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, रेड चिली पाउडर और 2-3 टमाटर। अब हम उबले हुए साग को मिक्सी में पीस लेंगे। आप देख रहे हैं पालक का फाइन पेस्ट बन गया है। साग का पेस्ट बनाने के बाद हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम उसमें पनीर डालेंगे। पनीर फ्राई हो चुके हैं। पनीर फ्राई करने के बाद हम भगोनों को गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें वही तेल यूज़ करेंगे जो हमने पनीर तलने में यूज़ किया था। अब हम प्याज का पेस्ट डालेंगे इसमें। अदरक का पेस्ट डालेंगे। सब्जी मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और टमाटर डालेंगे और लास्ट में 2 चम्मच नमक डालेंगे। और फिर सबको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे और आधे घंटे तक मसाले को मीडियम आंच पे पकाएंगे। अच्छा, मसाला तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें डालेंगे पालक का पेस्ट। इसे अच्छे से मसाले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे 10 मिनट तक तेज आंच पर पकाएंगे। पालक भून के तैयार हो गया है, अब हम इसमें पनीर डालेंगे जो हमने फ्राई किए थे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे पालक में। और फिर हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। ये वही पानी है जिसका यूज़ हमने पालक को उबालने में किया था। अब इसे ढककर
5 मिनट तक और पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा पालक पनीर तैयार हो गया है। आप हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।